अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन का शुभारंभ किया। मां बंगलामुखी हवन यज्ञ में मुख्य यजमानों के रूप में उपस्थित हुए भक्तों ने हवन में आहुतियां देकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी, देवेश्रम सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, अंकुर मल्होत्रा, मीना शर्मा, ललिता, नीलम रानी सहित असंख्य भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। के दरबार में आए हुए सभी संगत का हार्दिक अभिनंदन। विशेष रूप में माँ भगवती के दरबार में जितने भी मंत्रोच्चारण होते हैं वो मौखिक रूप में होते हैं। मौखिक रूप में जो मंत्रोच्चारण होते हैं उसका सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि जिन श्रद्धालुओं को मंत्रों के बारे में नहीं पता होता तो वो उस मंत्रों के बारे में, उनके आचरण के बारे में थोड़ा सा जानकार उनको जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर पिछले कई सालों से जब हम माँ बगलामुखी का ये यज्ञ शुरू किया तभी से हमने ये संकल्प लिया कि हम हर व्यक्ति को शिक्षित करना है सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने मंत्रोच्चारण के लिए। क्योंकि आमतौर पर आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी कोई पूजन होता है, हवन होता है, यज्ञ होता है, वहाँ पर जो मंत्र होते हैं वो कोई भी विद्वान नहीं बोलते, बल्कि सिर्फ बाद में स्वाहा कहते हैं। वो सभी स्वाहा कह के ही अपनी जो आहुति है वो अग्नि में दान करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग प्रचलन शुरू हुआ, उसी प्रचलन के कारण आज देश विदेश में इस माँ भगवती का जो यज्ञ है इसके बारे में चर्चा होती है। आपको पता है कि हमारा जो मंदिर है उसका नव निर्माण शुरू हुआ है।